दर्शकों नमस्कार। ये काशी है, काशी के कण कण में भगवान का स्वरूप विराजमान है। आज हम आपको काशी के बिंदु माधव मंदिर लाए हैं, और बिंदु माधव मंदिर यानी विष्णु भगवान का मंदिर। बहुत प्राचीन मंदिर है ये। इस मंदिर के इतिहास के बारे में पंडित जी हमें बताते हैं। ये अग्नि बिंदु ऋषि ने गंडकी नदी नेपाल मुक्ति धाम में भगवान विष्णु का तपस्या आराधना करके इस विग्रह को यहाँ लाया। इसका पूर्व नाम आनंदवन, यहाँ पर ला करके स्थापना किया। इसलिए अग्नि बिंदु का बिंदु माधव विष्णु का नाम इसलिए बिंदु माधव के नाम से हुआ। ये काशी में बिंदु माधव, प्रयाग में वेणी माधव, रामेश्वर में सेतु माधव, पिछापुर आंध्रा में कुंती माधव, श्रीरंगम में सुंदर माधव, इस तरह पंचमाधव पूरा भारत वर्ष में स्थापना है। काशी में बिंदु माधव क्षेत्रपाल, नीचे में पंचगंगा, गंगा यमुना सरस्वती किरणा दूध बाबा, इसको पंच नद तीर्थ बोलते हैं। पंचगंगा घाट काशी में टोटल 80 घाट्स, पंचगंगा घाट 80 घाट्स, उसमें 5 घाट मुख्य घाट है, स्नान दान तर्पण श्राद्ध कर्म करने के लिए 80 घाट, केदार घाट, दशाश्वमेध, मणिकर्णिका, पंचगंगा, लास्ट में आदिकेशव, उसमें वरुणा नदी मिली, 80 में 80 नदी मिली, इसे 80 बरने और मध्य, इसका नाम वाराणसी। ये बिंदु माधव, काल भैरव, काशी विश्वेश्वर, 3 मुख्य देव, विश्वेश्वर माधवम, धुंडिम, दंडपाणी भैरवम, वंदे काशी, गुहा गंगा, भवानी, मणिकर्णिका, संपूर्ण काशी यात्रा। ये बिंदु माधव क्षेत्रपाल, काल भैरव क्षेत्रक्षण, काशी विश्वनाथ मोक्षदायक। काशी दो भाग में विभक्त है, मणिकर्णिका से आदिकेश्वर तक विष्णु काशी, और मणिकर्णिका से 80 घाट तक उसको शिव काशी कहते हैं। काशी के पति विश्वनाथ पहले श्री अन्नपूर्णा तदा बाबा भैरवनाथ मंगल करे धुंडी सभी सर्वदा, बिंदु माधव दंड पाणी दुखड़ा सारा तुम्हारा हरो, मंदोश्री मणिकर्णिका सुरसनी कल्याण गंगा करे कल्याण वस्तु। वाह वाह वाह, हरे हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। पंडित जी, ये मंदिर बनवाया किसने था? ये पूर्व में आमेर के राजा मानसिंह ने इस मंदिर को बहुत बड़ा 170 फीट ऊंचा मंदिर बनाया था जी। लेकिन बाद में औरंगजेब ने उस मंदिर को पूरी तरीके से ध्वस्त करके और उस मंदिर को तोड़ करके वहाँ आलमगीर मस्जिद अपने नाम से बना दिया। फिर बाद में शिवाजी महाराज ने इस मंदिर को बनाया। इस मंदिर का जो विग्रह वर्तमान में अभी है उसको तत्कालीन पुजारी लोगों ने बचा करके अपने पास रख लिया, और शिवाजी महाराज ने इसकी स्थापना यहाँ करवा दिया, इसलिए इसको यहाँ पर है। हमारा परिवार वहाँ महाराष्ट्र के रत्नागिरी से हमारा परिवार है। हमारा परिवार शिवाजी के साथ डिवोटी था। अच्छा। हमारे परिवार को इसका रक्षण करने के लिए यहाँ भेज दिया। तब से हमारा परिवार पटवर्धन परिवार, हमारा नाम मुरलीधर गणेश पटवर्धन, हम यहाँ आकर के हमारा परिवार तब से इसका जो है रक्षण कर रहा है। पंडित जी, ये शालिग्राम जी विराज रहे हैं, शालिग्राम जी के बारे में? नरसिम्हा शालिग्राम कहते हैं जी। अग्नि बिंदु ऋषि को गंडकी नदी नेपाल में ये शालिग्राम मिला, इसको नरसिम्हा शालिग्राम बहुत रेयर है। अच्छा। इतना बड़ा शालिग्राम आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल। और ये संपूर्ण शालिग्राम विग्रह है, भगवान का विग्रह भी पूरा शालिग्राम है। और यहाँ ला करके स्थापना किया जी अग्नि बिंदु का बिंदु और माधव विष्णु का नाम, इसलिए बिंदु माधव, बिंदु माधव। जय जय पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए। और दर्शकों भक्तों, यदि ये आपको विग्रह दर्शन अच्छे लगे हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भक्तों तक जरूर फैलाएं। मैं हूं आपका मित्र ओम जोशी, धन्यवाद।